बाद कक्षा 11वीं में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आशा है आप उपस्थित होंगे। गृह विज्ञान में हम आज पढ़ेंगे थोड़ा सा जल के बारे में कि जल हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है, या जल का क्या कार्य है और इसमें अशुद्धियां कैसे होती, क्योंकि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा जल की होती है 70% करीब। तो हम देखेंगे आज जल के बारे में। यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के 2:1 के अनुपात में बनता है और इसकी पूर्ति खाद्य पदार्थ तथा सीधा पीने में होती है। यह एक माध्यम है और मानव शरीर में 60-70% जल पाया जाता है। जल हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर में पर्याप्त मात्रा पहुंचाने के लिए मनुष्य को विभिन्न प्रकार के पेय पदार्थ और आहार लेने पड़ते हैं। हमारे शरीर से प्रतिदिन मूत्र एवं पसीने के द्वारा जल बाहर निकलता है और इस कमी की पूर्ति के लिए 3-4 लीटर जल पीना एक व्यक्ति को आवश्यक है। बिना जल के मनुष्य अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकता। अब देखेंगे हम जल की क्या कार्य। जल मानव शरीर में पाचन क्रिया में मदद करता है। फिर जल शरीर की निरुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। गुर्दों की सफाई करता है। जल रक्त को भी तरल बनाता है। जल हमारे शरीर का तापमान गर्मी में बनाए रखता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन शुद्ध जल ही ग्रहण करना चाहिए। अशुद्ध जल ग्रहण करने से कई प्रकार के रोगों की संभावना होती है, इसलिए हमें जल आवश्यक है। जल दूषित होने के कारण जल में स्थान और जल के स्रोतों के आधार पर उसमें अनेक पदार्थ मिल जाते हैं जो पानी को अशुद्ध बना देते हैं। और वर्षा के पानी में जैसे विभिन्न स्थानों पर इकट्ठा होता है और पानी अशुद्ध हो जाता है। खेत की जमीन में आने वाले पानी में कार्बनिक पदार्थ मिल जाते हैं तो भी दूषित हो जाता है। जल कितने प्रकार, जल 3 प्रकार की अशुद्धियां रहती जल में। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की अशुद्धि। घुलनशील अशुद्धियां कौन कौन सी कहलाती हैं? जैसे गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फरेट हाइड्रोजन गैस जल को दूषित कर देती है। दूसरा है जैविक पदार्थों के गलने सड़ने से, जैसे अमोनिया, नाइट्राइड, नाइट्रेट आदि जल में उत्पन्न हो जाते हैं। लवण, बाइकार्बोनेट सल्फेट, क्लोराइड, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आदि जल में मिश्रित होते हैं। मिश्रित उससे भी जल अशुद्ध हो जाता है और जल कठोर हो जाता है, यानी ना पीने लायक रहता ना कुछ काम करने लायक। फिर दूसरा है अघुलनशील अशुद्धियां, जो घुलती ही नहीं। ऐसे पदार्थ जिनके कारण अशुद्ध हो जाता है जल, और परंतु ये पानी में घुलते रहेंगे, जैसे कि धूल के कण, कोयले के कण आदि पदार्थ हैं जल में तैरते रहते, जल को दूषित कर देते हैं। तीसरा है रोगों के कीटाणु, जल में कुछ जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं जो सूक्ष्म होते हैं, इन्हें आंखों से नहीं देख सकते। जल में पैरासाइट, कृमि, वर्म आदि हो जाते हैं। जल की अशुद्धियों का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है देखेंगे। अशुद्ध जल के सेवन से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये रोग उपस्थित दोषों पर निर्भर रहते हैं। अशुद्धियां भोजन और धात्वी तक तैरती रहती है। जल में अशुद्धियों से मंदाग्नि, अतिसार का जुड़वामन यानी उल्टी आदि रोग हो जाते हैं। कृमियों के अंडे मानव शरीर में प्रवेश करके पाचन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। फिर कुछ रोग जीवाणु संक्रमित जल का सेवन करने से पैदा होते हैं। भारत में कभी कभी ये रोग अति तीव्र रूप धारण करते, जैसे कि हैजा, मोती जरा, टाइफाइड, पेचिस आदि। जल को अशुद्ध होने से रोकने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि जल जीवन महाजीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अशुद्ध जल कई रोगों से और रोगों को जन्म देता है। यह आवश्यक है कि प्रारंभ से ही इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो
मोबाइल आप बैंक जैसी थी। पहला है जल की संग्रहालय को नगर से कुछ दूर रखना चाहिए। नदी या तालाब की जिस स्थान पर जल पीने को मिला जाता उस स्थान पर भी नहाने कपड़े धोने आदि जानवरों को नहलाना या पानी पिलाना आदि पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। फिर तीसरा है जल संग्रहालय पक्के सीमेंट के होने चाहिए। जल संग्रह के स्थान को ढकता रखना चाहिए। पानी संग्रह की टंकी 6-6 महीने साफ कर देनी चाहिए। समय समय पर कीटनाशक दवाई डालते रहना चाहिए और मनुष्य को स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए शुद्ध जल का ही उपयोग करना चाहिए। बच्चों आपको कॉपी में ये सब लिखना है और पढ़ना है परीक्षा की तैयारी के लिए।